अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। अच्छा, एक राइफल है TR-3, जो कोई AK-12 की सिविलियन वर्जन है, सेमी ऑटोमेटिक में, और 3 कैलिबर्स में बनाई गई है और बनाई जा रही है। 7.62x39, 5.45x39 और 223, यानी कि 5.56x45। और पहले मार्केट में आ चुकी थी, जो रशियन, जिसको हम पाकिस्तान में अभी 2222 कहते हैं, या 5.45x39, और अभी 223, यानी कि 5.56x45 मार्केट में अभी आई है, जिसका बड़ा हमें इंतज़ार था। तो रिव्यू शुरू करने से पहले मैं दो बातें ज़रूर इस वक्त कहना चाहता हूँ। एक, हमारे बड़े प्यारे भाई, उनका नाम मुझे भूल रहा है, और उन्होंने मुझे कहा कि आप रिव्यू में अंग्रेज़ी के लफ्ज़ मत बोला करें। बिल्कुल जी, आपकी बात मैंने रजिस्टर कर लिया। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सकता है ज़्यादा, कुछ चीज़ें होती हैं मजबूरी में, पार्ट्स के नाम वगैरह वो मुझे नहीं आते, तो वो है। और इनफैक्ट ये वीलॉग वगैरह चीज़ें शुरू करने का मकसद भी ये था कि ताकि उर्दू में हम बात कर सकें और लोगों को समझ आ सके बात मेरी भी, और वो भी मेरी बात समझ सके और मैं भी उनकी बात समझ सकूँ। लेकिन माजरत है उनके साथ, अगर मैंने कोई कभी अंग्रेज़ी में बोल दिया हो तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि ना करूँ। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा सवाल जो मेरे से किया जाता है वो प्राइस का होता है। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं रिव्यू शुरू करने से पहले सबसे पहले प्राइस बता दूंगा। जिन लोगों ने प्राइस पता करनी है, वो प्राइस उनको पता चल जाएगी, और उनको सलाम अलैकुम। और बाकी भाई जो रिव्यू देखना चाहते हैं, वेलकम। हम रिव्यू की तरफ अभी चलते हैं। थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, तो हम इस TR-3 की बात कर रहे थे। तो ये इस तरह के एक डब्बे में बंद आती है, गत्ते के, और इसको जो हम खोल लेते हैं डब्बे को, तो राइफ़ल जो है ये इस प्लास्टिक के एक लिफाफे में होती है। और इस लिफाफे के बारे में इन्होंने ये कहा है कि आप इस लिफाफे को हाथ लगाने के बाद हर दफ़ा हाथ धोया करें, और जब आप राइफ़ल को कमीशन कर लेते हैं तो इस लिफाफे को आग लगा के फेंक दें। उसकी वजह ये है कि यह टॉक्सिक है। तो दिन में अभी इस दफ़ा मैं कुछ 6 दफ़ा तो आज सुबह से जो है ना अपने हाथ धो चुका हूँ। ये एक साथ इसके मैनुअल आता है, और जनाब ये एक मैगज़ीन इसके साथ आया हुआ है, ठीक है जी, जो कि ऑब्वियसली सेगा के साथ रिप्लेसेबल या इंटरचेंजेबल जो भी है सेगा का, इसमें चल जाता है। और इस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे। और राइफ़ल को मैं आपको निकाल के और फिर दिखाता हूँ। तो मेरे भाई, ये राइफ़ल है जो हमने डब्बे से निकाल के बाहर रखी। सबसे अच्छी बात मुझे रशियन वेपन्स में स्पेशली ये लगी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑयलिंग नहीं होती। और एक एज ए जोक, यकीन माने अगर चाइनीज़ वेपन्स आप ख़रीदते हैं ना, और उनको जब खोल के बाहर निकालते हैं डब्बे से, इतना तेल लगा होता है कि बंदे पे जो है ना गुसल वाजिब हो जाता है। तो अभी मेरे ख्याल में फॉर्मली इसको आपको दिखाने के बाद रिव्यू शुरू करते हैं। जी भाई, तो रिव्यू को हम फॉर्मली शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये जनाब TR-3 अल मशहूर राइफल, जैसे मैंने पहले बताया, इसके एक मैनुअल के साथ आती है, और काफ़ी डिटेल मैनुअल है। मैंने 2 दफ़ा तो इसको सारे को पढ़ा, और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। मैगज़ीन आती है इसके साथ, जो कि प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक पॉलीमर, लेकिन इसमें अच्छी बात इन्होंने की है कि स्पाइन इसकी, जैसे आप पहले बताई है कि वो स्टील की होती है, और इसके अंदर एक लिमिटर भी लगा हुआ है, रॉड। लिमिटर रॉड का काम ये होता है कि 30 राउंड मैगजीन को वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है 10 राउंड्स पे। तो ये निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैं बस सिंपल तरीके, आप इसको नीचे से उतारे, फ्लोर प्लेट निकालें और इसको निकाल लें, और फिर उसके बाद दोबारा लगा दें, तो आप इसको 30 में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाय द वे, इट इज़ चेंजेबल, सेगा वाली मैगजीन इसमें लगती है, इंटरचेंजेबल है, जितनी मेरी इतला है उसकी। मैंने कोई ट्राई नहीं किया, लेकिन मुझे पता है जिन लोगों ने डीलर हजार से जिनसे बात की है। अच्छा, दूसरी बात जनाब, ये राइफ़ल है, और इसको मैं एक दफ़ा आपको दोनों साइडों से यूँ करके जनाब दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बड़ी खूबसूरत चीज़, और दिल भी बड़ा जो है ना बंदे का, उसको देख के खुश होता है कि जिस तरीके से इन्होंने ये चीज़ बनाई है। अच्छा, तो अभी राइफ़ल की हम बात करते हैं जनाब। तो पहला तो ये कि ये स्टैंडर्ड एक AK-12 प्लेटफॉर्म का सिविलियन वर्जन है, जिस तरह मैंने बताया आपको पहले भी, और 3 कैलिबर्स में आया था। 7.62x39 में बनाया जाता है, 5.45x39 और 5.56x45, यानी कि 223। ये 223 में मेरे ख्याल में ये मच, इसका बड़ा हमें इंतज़ार था। इंतज़ार इस वजह से था कि ये कैसा कैलिबर है जिसका एमिनेशन अभी भी आसानी से, स्पेशली जब से PF ने बनाना शुरू किया 1.93 एम एन 1.55, तो हमें आसानी होगी एमिनेशन अवेलेबिलिटी की, अदरवाइज़ माने गनीमत पे गुजारा हो रहा था। दूसरी बात जनाब, वेट इसका तकरीबन 3.8 किलोग्राम्स है, और टोटल लेंथ इसकी होती है
34 से 37 इंचेस, वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि इसका स्टॉक जो है ऑब्वियसली वो यहाँ से आप इसको प्लस और माइनस छोटा कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी ये इसमें 10-10 मिलीमीटर की छोटी छोटी सेटिंग्स लगाई हुई है, जैसे आप 1-2-3 भी करके इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे भी ला सकते हैं, ये एक साथ ला सकते हैं। बहरहाल कहने का मतलब है कि लेंथ इसकी एडजस्टेबल हो जाती है। अच्छा, उसके बाद बैरल जो है वो 16.3 समथिंग इंचेस है, मतलब इस 16 इंच के करीब इसका बैरल है, 16.3 उन्होंने कहा है। अच्छा, ट्विस्ट रेट की बात मैं ये करूँगा कि बैरल के ट्विस्ट रेट की, कि लिटरेचर में नहीं था, मैंने कोशिश भी की, रिसर्च भी की, थोड़ा बहुत ढूंढा भी, तो पता ये चला कि 1:7.8, सो ऑलमोस्ट 1:8 का ट्विस्ट रेट है। और इसके अलावा चैम्बर और बैरल दोनों क्रोम लाइन हैं। ठीक है जी, अभी ये इसकी टॉकिंग हैंडल से हम ये इसकी प्लास्टिक की चीज़ डाल देते हैं और रिव्यू को शुरू करते हैं। तो हम अगर एक साइड से शुरू करें तो स्टॉक की मैंने पहले बात कर ली कि पॉलीमर क्या है और फोल्डेबल है। फोल्डेबल का तरीका क्या होता है जनाब, कि आप इसको बटन को यहाँ से प्रेस करके और ये इधर आ जाते हैं। अच्छा, फोल्ड तो हो जाता है, लेकिन फोल्ड में ये चीज़ है कि ये फायर नहीं करता। जितना मैंने पढ़ा है और देखा है तो उसके बारे में इसकी रशियन रेगुलेशन हैं या जो भी हैं, तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसका बोल्ट भी पीछे ज़्यादा नहीं आता उसकी वजह से, और इसको वापस लाने के लिए आपने सिंपल इसको यहाँ से हल्का सा दबाना है और दोबारा आके ये इधर लग जाता है जनाब। तो पहली चीज़ तो स्टॉक की हार्ड पॉलीमर ये लोग कह रहे हैं, और दूसरी बात उसमें ये है कि ये नीचे पीछे जो है ना इसके रबर सा लगा हुआ है, जो कि थोड़ा रिकॉयल अब्जॉर्प्शन में बेहतरी करता है। असॉल्ट राइफल ऐसे आप और क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि ये फायर नहीं करता इस तरीके से। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं इसकी पिस्टल ग्रिप के ऊपर। तो ग्रिप काफ़ी अच्छी बनी हुई है और हद की सी इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की वो सरेशन टाइप लगी हुई है। एक यूनिक फीचर मुझे इस ग्रिप में ये भी नज़र आया कि आप इसे जब बटन दबाते हैं तो यहाँ से नीचे से ये कुर्ती इसकी निकल आती है, और इससे आपको क्या मिलता है ये जब। अच्छा, इसके अंदर एक हल्की सी वो टूल्स अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें कुछ इसके स्पेशलाइज टूल्स, ऑयल बॉटल, ये वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो ये एक थोड़ी सी हटके चीज़ है जो ट्रेडिशनल आपकी आपको याद हो जो उसमें होती थी, सॉरी इसको बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल AK में होती थी, आपको पता है पीछे उसके लकड़ वाले में यहाँ पे होता था, जिससे वो किट सी निकलती थी और वो जिसके अंदर ये क्लीनिंग और बाकी डिसअसेंबली और इस तरह की चीज़ें होती थी। सो स्टॉक के बाद हम आ गए हम पिस्टल ग्रिप के ऊपर, और इसी तरीके से ये जो इसका ट्रिगर गार्ड वगैरह, ये सारी सॉल, ये सारा प्लास्टिक का बना है। अच्छा, अब आ जाते हैं रिसीवर की तरफ। रिसीवर जो है 1.2 मिलीमीटर जो स्टील का और स्टैम्प रिसीवर है। ठीक है जी, और राइफल को अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक बहुत यूनिक फीचर, 2-3 बड़े यूनिक फीचर्स आ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये रिसीवर का मैंने बता दिया कि स्टैम्प है 1.2 mm का, और दूसरी चीज़ जो इसका जो रिसीवर के ऊपर जो डस्ट कवर लगा हुआ है, तो ट्रेडिशनल किससे बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा मुख्तलिफ 2-3 चीज़ें। पहली बात कि इसके थ्रू आउट रेल्स लगी हुई हैं, 1। सेकेंड, रियर साइड जो है वो डायोप्टर आ गई है। 3rd, यहाँ पे आपको एक बटन दबाते थे और उसे क्रक करके वो निकल आता था वायर पूरा, वो यहाँ पे अभी आ गया है। यहाँ से आप इस पिन को उतारते हैं, इसको लिवर को पीछे करके पिन को निकाल के मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊँगा, और उसके बाद ये रिसीवर क्रक करके निकल आता है, और उसके बाद आपका बोल्ट और बोल्ट असेंबली वगैरह सारी बाहर निकल आती है। इसी तरीके से अगर आप बात करें हैंड गार्ड की, तो दोनों प्लास्टिक के हैं, और हैंड गार्ड दोनों प्लास्टिक, लेकिन इसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर रेल्स लगी हुई हैं, और दूसरी बात ये है कि स्टिल और यहाँ पे साइड पे अटैचमेंट्स लग सकती हैं, नीचे भी रेल्स लगी हुई हैं। सो मतलब चीज़ें आप इसके रंग की भी लेफ्ट राइट पे जो भी लगाना चाहते हैं वो लग सकती हैं। और थोड़ा सा आगे आ जाएँ तो स्विवल्स ये लगे हुए हैं, और कालबंद इस जगह पर, हाँ, सो दैट मीन्स आपकी स्लिंग अटैचमेंट इस साइड पर इस तरह करके यहाँ पर आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इसका जो हैंड गार्ड की बात करें, तो जो नीचे वाला जो इसका पोर्शन है ना, वो डायरेक्ट रिसीवर के अंदर लगा रहा है, तो ये बैरल को टच नहीं कर रहा। मेरी पहले पूरी बात सुन लेना। दूसरी बात, जो अपर इसका पोर्शन है हैंड गार्ड का, वो बैठता है, क्लैंप हो जाता है लोअर रिसीवर के ऊपर। सो इन थ्योरी यस, फ्री फ्लोट है, लेकिन
क्योंकि फ्री फोर्ट 100% इसलिए नहीं है कि यही बैरल आगे जा रहा है और आगे जा के आपको पता है गैस पोर्ट के साथ इसकी जो भी अटैचमेंट होती है जिस तरीके से अंदर लगा होता है पिस्टन आगे उसका पीछे आके रहता है। सो ट्रू सेंस में ऑब्वियसली ये वो चीज़ नहीं है जिसको आप फ्री फ्लोटेड कहेंगे, लेकिन कम अज़ कम हैंड गार्ड की हद तक हम ये ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पे इसको कुछ बॉडी को कुछ चीज़ टच नहीं कर रही है। अच्छा जानी, अब हम आ जाते हैं कुछ फीचर्स इस राइफल के बताए। मुझे बार बार आगे पीछे इसको इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज कुछ चीज़ें लेफ्ट साइड पे हैं, कुछ पे राइट पे हैं। अच्छा, कंट्रोल्स की आप बात करें तो सिंपल कंट्रोल्स ना आपको जैसे लाइक नॉर्मल AK में होते हैं या AK प्लेटफॉर्म की जिसकी भी होती है तो ये आप कॉकिंग हैंडल करके कर लेते हैं और राइफल रेडी टू फायर कंडीशन में हो जाती है। और जो क्लेम पैरामीटर्स में उन्होंने ट्रिगर की बात की है तो इट्स अराउंड 4 point something pounds इसकी पुल है। तो मैंने कहा कि इसको भी हम चेक भी कर सकते हैं। तो एक डायमंड टूल है और ओके, सो डायमंड टूल लगा के हम इसको ट्रिगर पुल चेक करते हैं और हाँ जी 4.5 pounds आई है विच इज़ गुड इनाफ। ऑब्वियसली आप और क्या चाहेंगे इस तरह के हिसाब से, आप 3 या 2.5 pounds की पुल तो आपको नहीं चाहिए होगी ना, ऑब्वियसली इसका मकसद कुछ और है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो है इसके पैकेट के ऊपर क्या लिखा है, हंटिंग राइफल या कार्बाइन इस तरह का। वैसे तो मुझे पढ़ के भी थोड़ी हंसी आ रही थी कि ऐसे किस चीज़ की हम हंटिंग करती हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब सिंगल एक्शन ट्रिगर है ऑब्वियसली होता भी इसमें इस तरीके से ऐसी है। और साइड्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सेफ्टी जो है इसकी वो राइट साइड पे वही जो ट्रेडिशनल इसकी सेफ्टी होती है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये आपको कहूँ एक्शन के बारे में, हम इसके अंदर इंटरनल वर्किंग के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली लॉन्ग स्ट्रोक गैस पिस्टन है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे राइफल की और अगर आप सेफ्टी लीवर की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ऑपरेटेड है और थंब ऑपरेटेड भी है और उस पर एक सेकेंडरी शेल्फ लगा हुआ है जो कि एक ईजी एक्सेस के लिए। सो मजे का एक्शन है, ठीक है जी। फ्रंट साइड के बारे में बात कर लें तो एलिवेशन एडजस्टमेंट है और इसके अलावा इसमें प्रोटेक्टिव वो कवर्स जो होते हैं, मतलब कान जिसके इसके बनाए हैं वो कान है जो स्टैंडर्ड AK की होती है उस तरीके से। रियर डायोप्टर है और डायोप्टर में भी आप इसको अकॉर्डिंग टू रेंज उसके बाद आप उसको सेट कर सकते हैं। और ऑब्वियसली विंडेज एडजस्टेबल भी है उसकी, बहुत लंबी एक पूरी उन्होंने तरीका बताया हुआ था बुक में, जो ऑब्वियसली मैं उस डिटेल में भी इस वीडियो में नहीं जा सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली इसकी ज्यूरिंग का एक पूरा एक प्रोसीजर उन्होंने दिया है। इसके अलावा जनाब जो इन्होंने क्लेम पैरामीटर्स किए हैं कि -50 से +50 तक में ये काम करती है, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो इन्होंने इसके लिए सेट किए वो ये है। एक और चीज़ इसमें ऐसी भी है कि जो मज़ल की जो ब्रेक है वो मज़ल क्योंकि थ्रेडेड नहीं है सो वो क्विक डिटैचेबल माउंट्स टाइप जो है ना वो उसकी है, उसका एक पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर आपको पंच लगा के थोड़ा सा रोटेट करना पड़ता है तो पूरी उतर आती है और उसके बाद कोई और चीज़ लगानी है। सो बेसिकली QD टाइप है कि उसमें स्प्रिंग लोडेड लग टाइप चीज़ होती है, काफ़ी लंबी चौड़ी उसमें लिखी हुई थी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा भाई, अभी हम इसको थोड़ा सा खोल के भी देख लेते हैं कि कैसी है। तो थोड़ा सा इस पर मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत जो है वो उसका सिंपल तरीका ये है कि राइफल को रख के और पंचिंग टूल से सबसे पहले आप ये करते हैं कि इस लीवर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और एग्जैक्ट 90 degrees पे ले आना है। तो ये 90 degrees पे आ गया और उसके बाद आप इसको हल्का सा पंच करते हैं। पंच के लिए मेरे पास पंचिंग टूल है और जब आप उसे पंच करके दबाएंगे तो ये पंच किया हमने और ये पंचिंग टूल से ये बाहर आ गया। अभी हमने इसको सिंपल इसको पीछे से थोड़ा सा यूं ये आपका डस्ट पाउडर निकल आया जाए। सो मजे की बात ये है कि यहाँ पे हल्का सा ये हिंज हुआ है इस जगह के ऊपर और ये जनाब आपका रिकॉइल स्प्रिंग वगैरह निकल आया और हल्का सा इसको मैं पीछे करूँगा आपका बोल्ट एंड कैरियर असेंबली वगैरह सारी निकल आया।
हाँ वाह वाह वाह। बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, फायरिंग पिन इसी तरह फ्लोटिंग वाली है, और ये गैस पिस्टन इसका। आहा, गैस पिस्टन की क्या ख़ास बात है भाई, कोई मुझे बता सकता है? अच्छा, गैस पिस्टन की बात आप खास इसमें ये देखें कि इसमें जो ट्रेडिशनल होते थे उसमें यहाँ पे वो ग्रूव से बने होते थे, है ना, एक एफर्ट से, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा, क्लेम में इन्होंने ये भी कहा है कि इवन गैस पिस्टन जो है वो क्रोम लाइट है, जो कि अच्छी बात है, गुड यार, तो अच्छी बात है। अच्छा भाई, तो हम इसको अभी असेंबल कर रहे थे, और गैस पिस्टन और बोल्ट वगैरह डाल के, और उसके बाद जनाब दोबारा हमने इसका रिकॉयल मैकेनिज्म ये अंदर घुसा दिया। आजा भाई। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पूरा रिकॉयल मैकेनिज्म ये, और ये एक्चुअली सारा जो डस्ट कवर होता है वो यहाँ पे आके इन दो जगहों पे हिंज हो जाता है। ये देखिए आपके अंदर इसके यहाँ पे एक ये पिन सी लगी हुई है। सो हम वही एक्शन इसका वापसी पे ले जाते हुए और हल्का सा इसको यहाँ पे टैप करेंगे, और उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे कि 90 डिग्री पे करके और ये पिन वापस लानी है, और इसको अंदर घुमा के थोड़ा सा इसको यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू राइफल है, तो इसको दबाने के बाद, पिन को दबाने के बाद हम इसको, ये हो गया जनाब, और इसको हमने वापस यहाँ पे ले। तो ये जनाब आपकी राइफल दोबारा असेंबल होगी। तो मेन चीज़ें, आई जस्ट होप कि मैंने इसमें कोई मिस ना करनी हो, मेन ये मेन फीचर्स है इस राइफल की जनाब, और वेरी गुड क्वालिटी। ये शूट करके बाद में पता चलेगा कि कितना खूबसूरत रिजल्ट है इसका फायर करने का, और मेरे अपने अंदाजे में थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि 5 साढ़े 5 लाख, लेकिन लेकिन साथ भी मैं ये कहूँगा कि जी वो जो माशाल्लाह डॉलर की हालत हो चुकी है, जो टैक्सेस उसके ऊपर लग चुके हैं, जो मार्केट फ्लक्चुएशंस हो चुकी हैं, जो डीलर प्रॉफिट बेचारों ने जो बनाना होता है वो सारी चीज़ मिला के, तो नॉट अ बैड डील, नॉट अ बैड डील, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो बहुत बहुत ज़्यादा अरसे के लिए चलेगी। तो जनाब ये एक छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो आई एम सॉरी फॉर देट, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ है कि शायद मैंने कोई चीज़ मिस ना की हो। तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और राइफल के बारे में बात करेंगे, और थैंक यू, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।